श्री छात्रों, मैं शांतिनाथ था। आज अष्टम वर्ग के छात्रों को मैं पाठ द्वितीय, जिसका नाम हिमालय है, पहले मैं संस्कृत करूंगा, उसके बाद उसकी हिंदी व्याख्या भी मैं बताऊंगा। भारतस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः वर्तते। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। अयं हि पर्वतः जगतः सर्वेषु पर्वतेषु उच्चतमः श्रेष्ठश्च। यह जो पर्वत है, निश्चित ही संसार के सभी पर्वतों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। अतएव अयं पर्वत राजा कथ्यते, इसलिए इसे पर्वतराज भी कहा जाता है। और पर्वतराज मीन्स पर्वतों का राजा। समुद्रतः वाष्पम आदाय आगच्छन्तः मेघान अवरुद्ध्य असौ वर्षां कारयति। समुद्र से भाप को लेकर आते हुए मेघों को रोककर यह वर्षा कराता है। इदमेव वृष्टिजलं पर्वतेस्मिन् हिमं भूत्वा शोभते। यही वर्षा का जल इस पर्वत पर बर्फ बनकर सुशोभित होता है। अस्मात् एव कारणात् अस्य शिखराणि सर्वदा हिमेन आच्छादितानि भवन्ति। इसी कारण इसके शिखर हमेशा बर्फ से, हिम से ढके रहते हैं। गंगा, यमुना, शतद्रु, विपाशा, इरावती, चंद्रभागा, वितस्तादय नद्यः हिमालया एव निस्सरन्ति। यत्र हिमालयस्य हिमराशिः एव द्रवीभूय प्रवहति भारत भुवं च सिञ्चति। गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम आदि नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। जहाँ हिमालय की हिम राशि ही पिघलकर बहती है और भारत धारा को सिंचती है। तेन सिंचितानि क्षेत्राणि न केवलं हरितानि भवन्ति अपितु उर्वरा संपन्नानि अपि भवन्ति। इससे सींचे हुए क्षेत्र न केवल हरे होते हैं अपितु उपजाऊ भी होते हैं। हिमालयस्य मेखलासु विविधा औषधयः प्ररोहन्ति। हिमालय की तलहटियों में, हिमालय की मेखलाओं में अनेक औषधियाँ उगती हैं। तासु काश्चन रात्रौ दीपाः इव प्रकाशन्ति। उनमें कुछ रात में दीपकों की तरह प्रकाशित होती है। अस्य वनेषु विविधा पादपाः गुल्माश्च जायन्ते येषु सालवृक्षाः देवदारवृक्षाश्च सुतराम् उपयोगिनः। इसके वनों में विविध पौधे और छोटे पौधे झाड़ियाँ पैदा होती हैं, जिनमें साल और देवदार के पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं। हिमालये जातानि सर्वाणि अपि वस्तूनि जनान् उपकुर्वन्ति। हिमालय में उत्पन्न सभी वस्तुएं लोगों का उपकार करती हैं। नगाधिराजः अयम् बहूनां रत्नानां प्रभवो इत्यपि प्रसिद्धम् अस्ति। पर्वतों का यह राजा बहुत से रत्नों का भी जन्म स्थान है, ऐसा भी प्रसिद्ध है। अत्रैव व्याघ्रा वृक्षा वृकादयश्च विविधा वन्य पशवः स्वच्छन्दं विहरन्ति। ऐसा भी प्रसिद्ध है, यही बाघ, भालू और भेड़िये आदि विविध जंगली पशु स्वतंत्र होकर विचरण करते हैं। पर्वतस्यास्य वनेषु विहरताम एकतमः कस्तूरी मृगः अपि अत्रैव जायते यस्य नाभिकः जनाः कस्तूरिकां लभन्ति। इस पर्वत के वनों में विहार करने वालों में एक कस्तूरी मृग भी यहीं पैदा होता है, जिसकी नाभि से लोग
कस्तूरी प्राप्त करते हैं। यमेव कस्तूरी का वैद्य अनेकानाम रोगानाम चिकित्सा की प्रवृत्ति। यहाँ वैद्यों के द्वारा कस्तूरी को अनेक रोगों के उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पवित्र तमं क्षर मानसरोवरों की अत्र अस्ति। सबसे पवित्र झील मानसरोवर जहाँ नहीं है। अस्य स्फटिकम इव निर्मलम जलम पीत्वा हंसा प्रसन्ना विहरन। इसके स्फटिक के समान निर्मल जल को पीकर हंस प्रसन्न होकर के भ्रमण करते हैं। अत्र पुरा बहूनाम ऋषीणाम आश्रम आसन। यहाँ पहले बहुत से ऋषियों के आश्रम थे। अस्यैव शान्तासु गुहासु अद्यापि सिद्धाः तपश्चरन्ति। इसी की शांत गुफाओं में आज ही सिद्ध लोग तपस्या करते हैं। अमरनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ आदीनि पवित्राणि तीर्थानि अद्यापि अस्य पावनतां सूचयन्ति। ऐसा कहा जाता है अमरनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ आदि पवित्र तीर्थ स्थान आदि भी इसकी पवित्रता को सूचित करते हैं। ग्रीष्म ऋतौ पाप व्याकुला जना हिमालय बहुषु स्थानेषु पर्यटनाय यान्ति। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से परेशान लोग हिमालय के बहुत से स्थानों में घूमने के लिए जाते हैं। तत्र ते स्वास्थ्यम शांति मनोरंजन का लभन्ति। वहाँ वे स्वास्थ्य शांति और मनोरंजन को प्राप्त करते हैं। अस्य दर्शनीयेषु स्थानेषु कश्मीर प्रमुख वर्तते। इसके दर्शनीय स्थानों में कश्मीर प्रमुख है। कवय कश्मीरम स्वर्ग सदृशम सुंदरम प्रशयन। कवि लोग कश्मीर को स्वर्ग के समान सुंदर करते हैं। सत्यमेव उक्तम केनचित् कविना यत् पृथिव्यां यदि कुत्रचित् स्वर्गः अस्ति तर्हि अत्रैवास्ति। शक्ति ही कवि के द्वारा कहा गया है कि पृथ्वी पर यदि कहीं भी स्वर्ग है तो वह यहाँ ही है, इस कश्मीर में ही है। इन बहुना शक्ति संपन्नोऽयं हिमालय उत्तरस्यां दिशि प्रहरीव भारतम रक्षति। और क्या कहें, बहुत सी शक्तियों से संपन्न यह हिमालय उत्तर दिशा में प्रहरी के समान भारत की रक्षा करता है। प्यारे छात्रों, अब मैं आप लोगों के सामने शब्दार्थ बताने जा रहा हूँ। उत्तरस्यां दिशि उत्तर दिशा में। प्यारे छात्रों, यह सप्तमी एक वचन का है। नगाधिराजा नगस्य अधिराजा पर्वतों का राजा अवरुद्ध लोक कर हिमेन तृतीया का एक वचन बर्फ से आच्छादितानी ढकी हुई हिमराशि बर्फ की राशि द्रवीभूत पिघल कर निस्सरंती निकलती हैं। उर्वरा संपन्नानी उपजाऊ उर्वरा शक्ति से संपन्न मेखलासु मेखलाओं में तलहटियों में गुलमाह छोटे पौधे या झाड़ियाँ प्ररोहंती उगते हैं। प्रभव जन्मस्थान उत्पत्ति का स्थान सुतराम अत्यंत मैकानाम अनेक नहीं वृका भेरिये शांता गुहासु शांत गुफाओं में नाभिता नाभि से पावनताम पवित्रता को चिकित्सा ये चिकित्सा के लिए प्रहरी रक्षक की तरह सिद्धा तपस्वीगण सिद्धगण पर्यटनाय घूमने के लिए कुत्रचित कहीं। प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को यानी अष्टम वर्गों के छात्रों के लिए द्वितीय पाठ हिमालय से संबंधित बातों को आज मैंने पढ़ाया। उसके बाद शब्दार्थ भी मैंने बताया। इसके अगले दिन प्रश्नोत्तर का कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।